हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हॉट गार्लिक बटर मैगी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही धमाकेदार रेसिपी है। इसे बच्चे बड़े बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम हॉट गार्लिक बटर मैगी बनाना शुरू करते हैं। हॉट गार्लिक बटर मैगी बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 2 पैकेट मैगी, 2 पैकेट मैगी मेकर, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला, चिल्ली सॉस, जरूरत के अनुसार पानी। एक प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 15 से 20 कली लहसुन को हमने बारीक काट लिया है। हरी मिर्च को काट लिया है। एक बड़ा साइज टमाटर को हमने काट लिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ता को हमने बारीक काट लिया है। 2 चम्मच हम तेल यूज करेंगे और ढेर सारा बटर। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम एक गैस की कढ़ाई रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बटर। तो यहाँ पे बटर जले नहीं, इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे। बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें मैगी को सेकेंगे। ऐसे हम मैगी को डाल देंगे और बटर के साथ हम उलट पलट के इसे सेक लेंगे। एक साइड से हमने 1 मिनट तक सेक लिया है। अब हम इसे उलट के दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। ऐसे हम मैगी को दूसरे साइड से सेक लेंगे। यानी कि मैगी में अच्छे से बटर की कोटिंग हो जानी चाहिए। ऐसे हम मैगी को सेक लेंगे। हम गैस के फ्लेम को स्लो रखेंगे, नहीं तो मैगी अपनी जलने लगेगी। ऐसे हम दोनों साइड से उलट पलट के मैगी को सेक लेंगे। इससे आप बना के देखिएगा कितना अच्छा टेस्ट आएगा आपको मैगी में। हम इसे उलट पलट के दोनों साइड से सेक लेंगे, यानी कि अपने मैगी में बटर की अच्छी खासी कोटिंग हो जानी चाहिए। तो इस तरह से आप मैगी बना के देखिएगा कितना बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम क्या करेंगे, मैगी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बटर में इसे अच्छे से कोट कर लेना है। इसी बटर में जो कढ़ाई में बचा है उसमें हम 1 चम्मच और बटर डाल देंगे। और साथ में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, क्योंकि ये गार्लिक बटर मैगी है तो हमने गार्लिक की मात्रा ज्यादा लिया है। और इसे हम कच्चापन दूर होने तक रोस्ट कर लेंगे। लहसुन का कच्चापन चला गया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो हमने 2 हरी मिर्च को काट रखा है। साथ में हम डालेंगे 1 ओनियन जिसे हमने बारीक काट लिया है। और इसे भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे बटर के साथ। चलाते रहेंगे, हमें चलाना नहीं बंद करना है। तो ऐसे चलाते हुए हम बटर में इसे भून लेंगे। हमने प्याज को 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, इसे भी हम डाल देंगे। और 1 मिनट तक हम प्याज के साथ टमाटर भी बटर में भून लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमने मीडियम फ्लेम पे प्याज, लहसुन, टमाटर भूनना शुरू किया है। तो हम चलाते हुए इसे भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो ध्यान रहे, नमक टेस्ट मेकर में भी रहता है, तो हम अंदाज से नमक डालेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर।
थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे और 2 चम्मच हम चिली सॉस डालेंगे। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ध्यान से देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो हमने 2 पैकेट मैगी लिया है तो 2 ग्लास पानी डालेंगे। तो ये रहा 1 ग्लास और ये 2 ग्लास। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम मैगी मसाला डालेंगे। तो हमने 2 मैगी लिया है तो 2 पैकेट हम टेस्ट मेकर डाल रहे हैं और इसे भी हम अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को तेज करके तेज उबाल आने देंगे। उबाल आ चुका है। अब हम इसमें मैगी डालेंगे। तो हम ऐसे मैगी को डाल देंगे और इसे हम 1 मिनट तक तेज फ्लेम पे ही उबालेंगे। मैगी एक साइड से 1 मिनट उबल चुका है। अब हम इसे उलट लेंगे। तो धीरे धीरे हम इसे उलट लेंगे और हल्का सा हम स्पैचुला से इसे तोड़ लेंगे। और इसे हम 1 मिनट और तेज फ्लेम पे ही पकने देंगे। एक बार हम फिर से मैगी चला लेंगे। बड़ा ही स्वादिष्ट मैगी तैयार होता है। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम स्लो करके और इस पे एक कवर लगा देंगे और 1/2 मिनट तक हम और इसे पका लेंगे। अब हम ढक्कन हटा के मैगी चेक करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए आपकी मैगी की कितनी अच्छी कलर आई हुई है। अब हम इसमें ये धनिया पत्ता जो है उसे ऐसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया मैगी बनकर तैयार हुई है। तो अब ध्यान से देखिए अपनी मैगी बनकर तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो हम एक सर्विंग बाउल लेंगे और इसमें मैगी को सर्व करेंगे। तो हम 1 चम्मच मैगी लेंगे और इसमें हॉट गार्लिक बटर मैगी बनकर तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और धमाकेदार रेसिपी है। इसे बच्चे बड़े बहुत पसंद करते हैं। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये धमाकेदार बटर मैगी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।